अन्या हेलो यूट्यूबर्स, आज मैंने अपना फाइनली 1K सब्सक्राइबर पूरा कर लिया है। ये सफ़र बहुत लंबा रहा, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की ताकि ये सफ़र जल्दी कंप्लीट हो जाए। आज मैं आप लोगों को अपनी पूरी स्टोरी शेयर करूंगी कि कैसे मैंने अपना पूरा ये 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट किया। मैंने अपना यूट्यूब चैनल 2017 में बनाया था और फिर वहाँ से मैंने अपना वीडियो शुरू किया डालना, थोड़ा मोड़ा वीडियो डालना शुरू किया। मुझे थोड़ा सा नेकलेस बनाना आता था, तो थोड़ा सा मोती सब मंगा करके मैंने नेकलेस बनाना शुरू किया, तो उससे कुछ व्यूज़ आए, मतलब 1000 व्यूज़ पर वीडियो पे आना शुरू हुए, तो थोड़ा सा होप मिला कि चलो आगे चल के बनाते हैं। तो फिर मेरी टीचिंग स्किल बहुत अच्छी थी, बहुत लोगों ने मुझे कहा कि बहुत अच्छे से पढ़ा लेती हो, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना यूट्यूब पर थोड़ा सा पढ़ाया जाए। जो टॉप ऐसे टॉपिक्स मैंने चूज़ किए हैं जो कभी किसी ने बनाए नहीं थे, तो मैंने सोचा मैं उसको BSc कर रही थी, तो BSc स्टूडेंट थी, तो मुझे थोड़ा सा जिस टॉपिक्स में दिक्कत हो रही थी कि वो सब यूट्यूब पे नहीं मिल पा रहे हैं, तो पहले मैंने अपना BSc कंप्लीट किया, फिर उसके बाद मैंने उस टॉपिक पे वीडियोस बनाए। जैसे कि आप देख सकते हैं एम्फीऑक्सिस, जिस पे उस वक्त थोड़ा भी एक वीडियो था, बाकी और कहीं पर भी उस पर वीडियो नहीं था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर वीडियो बनाया जाए ताकि और किसी को इस पर दिक्कत ना हो, इस टॉपिक से कोई भी दिक्कत ना हो। तो मैंने ऐसे टॉपिक सेलेक्ट किए जिससे किसी की मदद हो सके। उस वक्त मुझे व्यूज़ सब्सक्राइबर कुछ किसी चीज़ का कोई मतलब इशू नहीं था कि मुझे ये बढ़ाना है, व्यूज़ बढ़ाना है, सब्सक्राइबर बढ़ाना है, बस मुझे ये था कि ये टॉपिक कहीं नहीं है, तो इस वजह से मैंने इसको इस पर डाल दिया। अब देखिए कि बहुत लोगों ने इसको देखा, पसंद किया। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि मैंने पहली बार वीडियो बनाया था, वीडियो मुझे उतना अच्छे से बनाने आता नहीं था, एडिट करना पड़ता था, थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया। फिर क्या हुआ कि कुछ वीडियोस बना के मैंने क्विट कर दिया, मतलब कुछ दिन के लिए, कुछ दिन क्या, मैंने सीधे 2 साल के लिए क्विट कर दिया, क्योंकि मुझे इतना कुछ पता नहीं था यूट्यूब के बारे में। अभी मैं व्यूज़ सब्सक्राइबर कभी इसके बारे में नहीं सोचती हूँ, लेकिन जब मुझे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए, तो जब मुझे यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन आया कि आपके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो फिर मैं इसके बारे में सर्च करना शुरू की कि 1000 सब्सक्राइबर पे कुछ होता है क्या, तो फिर मुझे पता चला। तो मेरा अभी मोनेटाइजेशन नहीं हो सकता क्योंकि अभी उसके लिए बहुत सारे वॉचअवर चाहिए जो मेरे पास नहीं है। आगे मैं अपना वीडियो कंटिन्यू रखूँगी, मेरे टॉपिक्स थोड़ा यूनिक रहेंगे क्योंकि मुझे ऐसे ही टॉपिक बनाने हैं जो कहीं नहीं बने हों। तो ये मेरा फाइनली अभी 0 से 1K तक का सफ़र है, जो कि थोड़ा सा हार्ड रहा। मैंने जो 2 साल बीच में टाइम लैप्स किया, उसकी वजह से थोड़ा सा मेरी कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो पाई थी, तो मेरे जो सब्सक्राइबर है धीरे धीरे कम हो गए। अब मुझे थोड़ा सा वही शॉर्ट वीडियो से जो सब्सक्राइबर मिले उसकी वजह से 1K सब्सक्राइबर हो पाए हैं, तो थोड़ा सा टफ रहा, लेकिन फिर भी मैं आगे कोशिश करूँगी कि मैं अपना वीडियोज़ कंटिन्यू बनाती रहूँ। मेरा टॉपिक जूलॉजी रहेगा, लेकिन फिर भी मैं जूलॉजी से हट के भी और भी टॉपिक्स बनाऊँगी, लेकिन मैं उसके प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी कि जूलॉजी के अलग प्लेलिस्ट में टॉपिक रहेगा और बाकी और जो टॉपिक्स रहेंगे उसके अलग प्लेलिस्ट बनाने का, तो उससे कोई किसी को इशू नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे सकूँ। बाकी सब आप लोग के ऊपर है कि आप अगर आप लोग को वीडियोज़ अच्छे लग रहे होंगे तो फिर आप लोग के ऊपर रहेगा सब कुछ।